दोस्तों रोज रात में करो पत्नी के साथ एक काम, सफलता अवश्य मिलेगी, आपको मालामाल होने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे पांच कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संधि समय माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए, इसके उल्टा घर में ही गरीबी आती है। महिलाएं अगर चाहे तो घर को नरक बना सकती हैं और अगर चाहें तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को ये पांच काम कभी भी नहीं करने चाहिए, इसके उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। आप यकीन मानिए, जब भी कोई महिला घर में रात के समय इन पांच कामों को करती है तो यकीनन गरीबी अपना वास बना लेती है, घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो काम, साथ ही कौन सा वो गुप्त काम है जो रात के समय पत्नी के साथ पति को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों नंबर एक है, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़ों के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं और उनके असर से आपके कपड़ों में नकारात्मकता शक्ति का वास हो सकता है, तो यह गलती आपको रात के समय नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में झूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है, इसीलिए रात में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और मित्रों नंबर दो है, कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे और सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, हल्की सी रोशनी जरूर करें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। या इसकी जगह पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत उससे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। और नंबर तीन है, दोस्तों रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत होती है, शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं होता, वहीं ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोष भी लगता है, उस घर में दरिद्रता आती है। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़े, भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या पर्दा गिरा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात को सोते समय सिर या पैर दरवाजे की ओर ना करें, दरवाजे की ओर पैर या सिर करके सोने से मृत्यु का भय बनता है। और नंबर चार है, दोस्तों घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफ़ी नहीं है,
बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं घर में लक्ष्मी में का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई हो। सूर्योदय के बाद सुबह को सभी अपने अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तौर से सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में ही बाहर ना फेंकें, अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद ही फेंकें। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को हमेशा सफ़ेद रंग के धागे से बांध कर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को छुपा कर रखने से लाभ होता है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, रात के समय झाड़ू को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इसे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगानी चाहिए। कहते हैं रात के समय ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। खाने की जगह पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चलिए अब जानते हैं पांचवा काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसे जल देना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में सुख समृद्धि दूर हो जाती है। दोस्तों, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे ना सिर्फ धन हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होने लगती हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को ना काटें और ना ही शेव करवाएं। कई लोग सूर्यास्त के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर शेव कर लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन हानि भी होती है। दोस्तों, ये तो थे वो पांच काम जो रात के समय नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के एक महान ज्ञानी थे। उनकी नीति के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य की गद्दी पर बिठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य के द्वारा बताया गया यह काम आप रात में जरूर करें। अगर आप भी चाणक्य के द्वारा बताए गए इन कार्यों को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी को दिल खोलकर प्रेम करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो
तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बेडरूम में बिताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र घर में कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जब पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है तो घर में संपन्नता अपने आप खींची चली आती है और वह व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है हमारा चैनल और ज़्यादा डिजर्व करता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।